अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल फ्रास। आज के इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जैसे फीके सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्पाइस अप करेंगे और साथ ही साथ एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दो, चल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जो बराबर में होता है सब्सक्राइब बटन के उस पर क्लिक नहीं किया तो उस पर भी क्लिक कर दे, ताकि आपके पास हमेशा मेरी नई आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन एट अ टाइम मिल जाया करे। थोड़ा सा सस्पेंस डालने के लिए आपको ये बताऊं कि डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में जो मैंने गेम बनाया है वो मल्टीप्लेयर गेम है और जीयूआई पर है। अब आप सोच रहे हो ये किससे बना, यानी कि हाँ अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने जीयूआई में भी डेटा स्ट्रक्चर्स अप्लाई किए हैं। कौन से वाले? बाइनरी ट्री। हाँ, अब ये कैसा है, पहले तो नाम बता देता हूँ, बाइनरी ट्री रेसिंग गेम, मल्टीप्लेयर गेम है। ओके, अब इस गेम में क्या होता है, कैसे होता है, आई थिंक किसी किसी के जहन में आइडिया भी आ चुका हो, ना भी आया हो, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन ये आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, ना इसका कोड मिलेगा, ना इसका आइडिया तक नहीं मिलेगा। बिलीव मी, मैंने खुद सर्च किया, मुझे नहीं मिला। जब मुझे आइडिया आया था ये गेम बनाऊं तो मैंने सर्च किया, मुझे आइडिया तक नहीं मिला। हाँ, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर आइडिया मिल भी जाता है इत्तेफाकन आपको ये, तो मुझे ऐसा गेम नहीं मिला जैसा मैंने डेवलप किया, यानी कि कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। ओके, तो अगर आपको, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इस कोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो इस पर रिस्पॉन्स अच्छा खासा दे इस वीडियो पर, यानी कमेंट्स दें, लाइक्स दें। अगर ये नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करो ये करो, ताकि मुझे अंदाजा हो कि लोग सीखेंगे। अगर मैं बाइनरी ट्री रेसिंग गेम एक्सप्लेन करूंगा तो लोग देखेंगे, ये ना हो कि मैं अपना टाइम वेस्ट करता रहूं और कोई देखे भी ना। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो साफ बात है, अगर रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स भी नहीं चाहिए मुझे, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी मेरी, लाइक कमेंट करके भाग गया, तो मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा। कम से कम वो टाइम आए, यानी कि मुझे अंदाजा हो कि लोग पूरी पूरी वीडियो देख रहे हैं, तभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बाइनरी ट्री रेसिंग गेम के ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन, कोड की एक्सप्लेनेशन दूंगा, किस तरीके से बनाया, पूरी लॉजिक्स इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। और अगर कोशिश रही तो आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिख लूंगा, technicalfraz.com। अब डोमेन चेंज कर लिया, इंशाल्लाह वो भी वेबसाइट अभी अब हो जाएगी, एक हफ्ते में पब्लिश कर दूंगा। बाकी अब गेम शुरू करते हैं, पहले तो गेम की लॉजिक दूं, गेम किस तरीके का है, स्टोरी फॉरवर्ड, क्योंकि साइड से बातें बहुत सारी चीजें खुली हुई, मेरा ऑलरेडी काम हो रहा था। गेम की लॉजिक देता हूँ, गेम की लॉजिक क्या है, दिख भी रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, शायद समझ आ रहा हो ना आ रहा हो। पहले तो बताएं, बाइनरी ट्री का आइडिया होगा सबको, ये बाइनरी ट्री है, हर रास्ते के आगे दो रास्ते नजर आते हैं, लेफ्ट और राइट, हर रास्ते पे लेफ्ट और राइट। इमेजिन करें आप जंगल में अपने दोस्त के साथ, आप गए, दो रास्ते लेफ्ट और राइट का, आपके दोस्त ने राइट हैंड का रास्ता लिया और आपने लेफ्ट हैंड का रास्ता लिया। आपके दोस्त ने राइट हैंड का रास्ता लिया तो उसको राइट हैंड पर डबल रास्ते नहीं शो हुए, यानी कि एक ही रास्ता शो हुआ, और आपने जब लेफ्ट हैंड का रास्ता लिया था तो आपको मजीद दो और रास्ते दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट की तरफ। अब आपके दोस्त की साइड पे एक ही रास्ता था, वो राइट की तरफ गया, राइट की तरफ गया तो डेड एंड में पहुंच गया, यानी कि वो सिर्फ तीन स्टेप, दो स्टेप चल सका, एक दो, राइट राइट। और आप जबकि लेफ्ट गए, फिर आपके पास मजीद दो रास्ते हैं, फिर आपने उसमें से राइट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपके पास मजीद दो रास्ते हैं, फिर आप राइट पे गए, इस तरीके से आपने ज्यादा डेप्थ में गए। आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में हमेशा ये कंफर्म नहीं होता कि उसके पास हमेशा दो नोड्स होंगी, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि उसके पास एक नोड है, कभी कभार ये भी हो सकता है कि उसके पास एक भी नोड नहीं है। और जब ये कंडीशन आती है कि उसके पास एक भी नोड नहीं है, तो यानी कि डेड एंड है। और बाइनरी ट्री का आपको ये पता है, एक बार हम आगे चले जाते हैं तो प्रीवियस नहीं जा सकते। तो इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रख के मैंने ये गेम डेवलप किया, यानी कि दो उनको लेफ्ट और राइट का रास्ता चूज करना है, एक लेफ्ट में गया या दूसरा भी लेफ्ट में उसी के साथ गया, फिर दोनों ने रास्ते चूज किए, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में गया वही जीतेगा। अभी मैं गेम दिखा देता हूँ, समझ आ जाएगी बात क्या हो रहा है। अब पहले ये बताऊं, ये यहाँ पे रेड शो हो रहा होगा, आई थिंक नजर आ रहा होगा भाई, वरना ये मोबाइल में यूट्यूब में जूम इन का होता है, मैं अभी स्निपिंग टूल मुझे नहीं पता जूम इन का क्या है मेरे पास, बस आप जूम इन कर लेना, मोबाइल है सबके पास, वरना कंप्यूटर में भी जूम इन होता है। ये दिख रहा होगा ऊपर एक नोड है और टू थ्री लेफ्ट और राइट, यानी कि अगर देखो प्लेयर वन इज एट नोड वन, प्लेयर टू इज एट नोड टू, अब ये सॉरी नोड वन,
जब भी दो प्लेयर एक नोड पर होंगे तो उसका कलर रेड शो होगा। आई एम रिपीटिंग, जब भी दो प्लेयर एक नोड पर होंगे तो उसका कलर रेड शो होगा, अदरवाइज प्लेयर वन का कलर ब्लैक शो होगा और प्लेयर टू का कलर ब्लू शो होगा। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी डेप्थ जीरो है क्योंकि ये अभी ऊपर ही है। हाँ अभी मैं खेल के दिखाता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज प्लेयर वन ने चूज किया लेफ्ट में मुझे जाना है और प्लेयर टू ने चूज किया राइट में जाना है, मूव किया दोनों चले गए। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि प्लेयर टू का ब्लैक यहाँ हो गया, प्लेयर वन का ब्लैक यहाँ हो गया, प्लेयर टू का यहाँ पे हो गया। अब देखो प्लेयर टू डेड एंड पे आ गया, यानी कि अब वो बेचारा आगे नहीं जा सकता। अब आप यहाँ पे गौर से देख भी सकते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स रेडियो बटन भी गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद लेफ्ट का ऑप्शन है तो ये सिर्फ लेफ्ट में जा रहा है मूव। इसके बाद मजीद दो ऑप्शन है, यानी कि ये ज्यादा मजीद डेप्थ में जा सकता है, लेफ्ट राइट कोई सा भी चूज कर लेते हैं, राइट में गया फिर राइट में चले जाते हैं। सबको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर वन वन द गेम। जब हम गेम जीत जाएंगे, ये दिस गेम इज क्रिएटेड बाय टेक्निकल फॉर सेक माय वेबसाइट एंड फॉलो अस ऑन यूट्यूब लिंक्डइन एंड फेसबुक पेज फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव मटेरियल। ओके क्या, अब जैसे गेम क्लियर होगा तो ये ट्री ट्रेवर्स करके हमें दिखा देगा कि यहाँ पे भी रास्ता था, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे रास्ता नहीं था, यहाँ पे भी रास्ता नहीं था, यहाँ पे भी रास्ता था, ये भी आखिर तक जा रहा था। यानी कि अब आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या हो रहा है। अब लेट्स सपोज मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। हाँ अभी मैं गेम का बता रहा हूँ, गेम कैसे चल रहा है, क्या वर्किंग है। पहले मैं गेम स्टार्ट करूँ, सब कुछ रेंडम हो रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ सारा रेंडम। जैसे कि अब देखो अब राइट का हिस्सा है ना, लेफ्ट का हिस्सा है, मैंने बोला सारा काम रेंडमली हो रहा है। लेफ्ट में दोनों साथ गए तो इट मींस दोनों राइट होंगे। अब दोनों राइट में साथ गए, इट मींस लेफ्ट। हाँ गेम ड्रॉ भी हो सकता है ना, अगर दोनों ने डेप्थ एक ही हाइट ली, राइट लेफ्ट यहाँ पे भी चले जाओ। अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं पहले बताता हूँ, पहली बात अभी ये स्टार्टिंग है, ये भी बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था, इसमें भी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। ये जो कोड है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और आफ्टर नेक्स्ट वीक मैं ये अपलोड कर दूंगा, ताकि जिसको भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी तो वो फॉलो कर लेना गिटहब से और पुल रिक्वेस्ट भेज देना, अगर चेंजेस अच्छी लगी तो मैं कर लूंगा। मैंने ट्री क्या बनाया, अभी मैं थोड़ा बहुत ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर गिविंग कंसेप्ट, यानी कि मैं उन लोगों का कंसेप्ट दे रहा हूँ जो कंसेप्ट आते हैं, बाकी कोड खुद निकलेंगे, उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी कोड एक्सप्लेनेशन तभी करूंगा जब रिस्पॉन्स अच्छा खासा आएगा। गेम का चक्कर क्या है, गेम में पहले तो मैंने ट्री भी ड्रॉ की, अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर देखो तो मैंने ट्री भी बिल्कुल एहतियात से ड्रॉ की, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्री भी ड्रॉ करना आसान नहीं है, और ज्यादा कॉलेक्स होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अगर मैं दिखाऊं इस तरीके वाला कंसेप्ट है, ये वाला ट्री देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और मजीद एक और रो भी नीचे है मेरे में। मैंने कितने के हाइट में कितने रोज बनाए, 1 2 3 4 5 मैंने बस 5 तक खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे ज्यादा लेंदी नहीं करना था, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो प्लेयर 3 भी ऐड हो सकता है, प्लेयर 4 भी ऐड हो सकता है, और मजीद चीजें हो सकती हैं। अब मैं अभी बताऊँ, ये बाइनरी ट्री बार बार रेंडमली जनरेट हो रहा है, पहले तो मैंने GUI के थ्रू बाइनरी ट्री बनाया, अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, यानी कि पहले मैंने GUI के थ्रू पूरा का पूरा बाइनरी ट्री ड्रॉ किया, कंप्लीट बाइनरी ट्री, और उसके सारे लेवल विजिबल इनविजिबल कर लिया, यानी कि सेट विजिबल फॉल्स कर लिए। After that, फिर मैंने एक रेंडमली क्रिएट, आप बोल सकते हैं इमेजिनरी बाइनरी ट्री क्रिएट किया बैकएंड में, जो कि रेंडम जनरेट हो रहा था, जिसके जो कि कंप्लीट नहीं था। ओके समझ लो, फिर उसको अपनी GUI के साथ लिंक किया। आई थिंक समझ नहीं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं हाई लेवल का कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है इन चीजों के बारे में वो समझ रहे होंगे, और जिन लोगों को सच में मुझे बेसिक से, जो लोग चाहते हैं कि ये इस तरीके का गेम बना सकें, यानी कि फिर मैं बेसिक से ए टू जेड क्लियर करूंगा, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इंशाल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में अगर बंदा चीता हो जाता है तो वो फिर बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो बताने का मकसद ये था कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग इसे बोरिंग ले रहे थे, बोल रहे थे यार बहुत फीका सब्जेक्ट है ये, वो समझ नहीं आती। अब थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाने के लिए मैंने सोचा ये गेम निकालो, अगर इस गेम के थ्रू सीखेंगे तो थोड़ा सा मजा भी आएगा।
सब कुछ रेंडमली काम हो रहा है, यानी कि हर बार मूव चेंज होंगे, हर बार रास्ते चेंज होंगे। अभी मैं एक और ट्राई मार लेता हूँ, बताने क्या आता है या नहीं आता, देख लेते हैं क्या होता है। आखिरी बार ट्राई मारा जो गेम क्यों किया, जो गेम क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ, इसने लेफ्ट और राइट जनरेट ही नहीं की। तो जाहिर सी बात है जनरेट ही है तो दोनों एक ही रास्ते में फंसे हुए, ना स्टार्ट हुआ ना कुछ हुआ। हाँ इसकी भी हम कंडीशन दे सकते हैं कि लेफ्ट और राइट स्टार्ट के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यानी कि मजीद इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन मजीद के लिए भी टाइम लगाना होगा। जाहिर सी बात है बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इस कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इंशाल्लाह ए टू जेड कम्प्लीटली बताऊंगा कि किस तरीके से बनता है ये, मैंने जीयूआई के अंदर किस तरीके से ट्री बनाया और इस ट्री को मैंने अपने इमेजिनरी ट्री के साथ कैसे लिंक किया, जो कि कंप्लीट ट्री नहीं बन रहा था, एक तरीके से बाइनरी ट्री बन रहा था गेम के लिए। आफ्टर डेट ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने सिर्फ मेन फोकस जीयूआई पे नहीं किया, शायद कुछ लोग बोलेंगे यार इतना फीका फीका लग रहा है, फीका फीका लग रहा है, हम अभी डिजाइनिंग पे मेहनत करेंगे या इस पे मेहनत करेंगे, ये जो ट्री बनाने का टाइम है ना इसी में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था सिर्फ जीयूआई पे ट्री बनाने के लिए। फिर बाद में रैंडम ट्री भी जनरेट करना था, बाइनरी ट्री। और ये जो आप देख रहे हो स्पेसिस आ रहे हैं 2-3 के दरमियान, इसके दरमियान ये स्पेसिस को भी मेंटेन करना पड़ा, वो सारा का सारा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से हुआ था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, और इन चीजों के थ्रू किया था, फॉर्मूला सप्लाई करके। और ये भी 1 2 3 4 5 6 अभी मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सोचो, अब कुछ लोग सोच रहे हो यार मैंने क्या 31, क्योंकि 31 तकरीबन बनते हैं ना अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करो बाइनरी में तो 31 नोड्स बनती है, क्या मैंने 31 लेबल अलग से बनाए हैं? बहुत सारे लोगों की सोच आ रही होगी, और ये भी सोच रहे हो क्या 31 लेबल को मैंने अरेंज भी किया? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैंने 31 लेबल को पहले एरे के जरिए क्रिएट किया। अब लोग बोलेंगे एरे के जरिए क्रिएट करने के बाद फिर मैंने असाइन कैसे किया? वो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक ये है कि मैंने इस पैटर्न को देखा, मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह किसी और को भी समझना समझ सकता है। मैंने एक कंसेप्ट देखा, मैंने देखा ये देखो रूट के जो लेफ्ट और राइट है ना उसके पास नंबर कौन से असाइन होते हैं। रूट, लेट सपोज रूट मान लो ए है, ए वेरिएबल यानी कि ए इज इक्वल टू 1 है अभी, तो उसका जो लेफ्ट वाला होगा ना वो ए प्लस ए होगा और राइट वाला होगा वो ए प्लस 1 होगा। इट मींस अगर आप ये फॉर्मूला मैंने जो बनाया, क्योंकि मैंने पैटर्न देखे थे फिर मैंने ये फॉर्मूला बना के लगा दिया और इसी फॉर्मूला के थ्रू ऑटोमेटिक मेरी ट्री बन गई, यानी कि एरे के थ्रू इनिशियलाइज किया और ऑटोमेटिक सारा मैंने काम फॉर्मूला के थ्रू किया है। ये सारे के सारे क्रिएटिव मैंने फॉर्मूला के थ्रू किया, ये स्पेसिंग भी मैंने फॉर्मूला के थ्रू किया। अगर देखो स्पेसिंग में भी तो डिवीजन हो रही है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ अभी नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स आएगा तब बताऊंगा। ये अगर देखो अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई करवा के दिखाता हूँ, जैसे कि 6 नोड है, अब 6 की लेफ्ट और राइट क्या होनी चाहिए? ए प्लस ए करो 12, देखो 12 आ रहा है, ए प्लस बन गया 13 आ रहा है, चलो 5 का लेफ्ट, ए प्लस ए करो 10 आ रहा है। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और इस फॉर्मूला के थ्रू मैंने जो एरे जनरेट किए थे उन्हें बाइनरी ट्री में फिट बिठाया। बाइनरी ट्री में फिट बिठाने का मतलब एरे बना लिए लेबल के और फिर मैंने नोड्स क्रिएट की बाइनरी ट्री के लिए, यानी कि लेफ्ट और राइट, और उन नोड्स को मैंने असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते ना, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया लेबल का, जे लेबल का, और इस तरीके से मैंने ट्री बना ली। सो मैंने आइडिया दिया है, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, पैसे थोड़ी ना मैं कमा रहा हूँ, कुछ मांग थोड़ी ना, अगर नहीं भी लाइक देना तो नहीं, तो बस सीख लो कुछ। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए कोड की, अगर आप लोग सीखोगे क्योंकि इसका अच्छे खासे कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में बता दो, यस और वट एवर जो भी बोलना चाहते हो, वरना वीडियो देख लो काफी है, ज्यादा मैं फोर्स किसी को भी नहीं कर रहा। आई होप इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा आर्टिकल भी अपलोड कर दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस अब तक के लिए इतना ही।